नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डेटा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे सामान्य अध्ययन के पार्ट 10वीं के बारे में। जैसा कि आप सभी को बताया कि इससे पहले लगभग 9 वीडियोस आप सभी को दे दी गई हैं, जिन्होंने अभी तक नहीं देखे हैं प्लेलिस्ट के अंदर जाकर के देख सकते हैं, जिसमें आप सभी को बहुत सारी जानकारियाँ अब तक प्रोवाइड की गई हैं। जैसे कि आगामी समय के अंदर जूनियर शिक्षक भर्ती में एक सीट अगर आप पक्की करना चाहते हैं तो यह सही मौका है आप सभी के पास अभी से जाकर प्लेलिस्ट को चेक करें, जिसमें टोटल 9 वीडियोज़ आप सभी को दे दी गई हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले 10वीं वीडियो को लेकर, जो कि होगी आप सभी के मॉडल पेपर को लेकर। इससे पहले और भी तमाम जानकारी आप सभी को दी गई है, जैसा कि करंट अफेयर के बारे में 6 महीने पुराने को लेकर, वो भी आप सभी को यहाँ से दिया जा रहा है। तो ज़्यादा इंतजार न करवाते हुए तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप यूपीटीटी 2021 प्रिपरेशन कर रहे हैं और पेपर वन और पेपर टू क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आपके लिए आ चुकी है बेस्ट बुक अग्रवाल एग्जाम कार्ड की, जो कि मार्केट में अवेलेबल है। ऑनलाइन आप सभी इन बुक्स को बाय कर सकते हैं, जिसके लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिए जाएंगे। इन बुक्स को तैयार किया गया एक्सपर्ट के द्वारा, जिसे मैंने भी खुद रिव्यू किया है, आपके सिलेबस, आपके पैटर्न और साथ में आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि यही सही मौका है अपनी तैयारी को पक्का करने का। अभी काफी समय, अगर आप अभी सही समय से अपने समय को यूटिलाइज करना शुरू करेंगे, अच्छी बुक्स के साथ प्रिपरेशन करेंगे, तो इस बार यूपीटीटी आपका 100% क्वालिफाई होगा। तो यूपीटीईटी के लिए अग्रवाल एग्जाम कार्ड की जो बेस्ट बुक स्पेशली आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग तैयार की गई है, इन बुक्स की खास बात यह है कि इनमें वही क्वेश्चन रखे गए हैं जो आपके आने वाले एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो ऐसे में ज्यादा जानकारी के लिए लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है, अभी बाय करें। स्क्रीन पर आप इन बेस्ट बुक के सैंपल भी देख सकते हैं, जिसमें आपको क्वेश्चन के साथ मिलेगा डिटेल सॉल्यूशन, साथ ही एक्सप्लेनेशन भी। ये बुक्स सभी सब्जेक्ट के अंदर अवेलेबल है, पेपर वन और पेपर टू के लिए। सभी सब्जेक्ट की आप जो बुक है बाय कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो देर किस बात की, अभी लिंक पर क्लिक करें और अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करें अग्रवाल एग्जाम कार्ड की बेस्ट बुक के साथ में, जो कि तैयार की गई यूपीटीटी 2021 के लिए। इन बुक्स को आप बाय कर सकते हैं ऑनलाइन जैसे अमेजोन से। ज्यादा जानकारी के लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने आ जाता है, राइट आंसर आप सभी को बताना है, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस कब मनाया गया है। चार ऑप्शन आप सभी के सामने, राइट आंसर आप सभी को बताना है। और ऐसे में अभी तक जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो ऐसे में आप सभी को याद रखना है, अगर आप सभी से पूछा जाए अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस के बारे में, तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो आप सभी को यहाँ पर याद रखना है। अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 4 जुलाई को। एक चीज आप सभी को इसमें याद रखनी है, 4 जुलाई को आप सभी का जो राइट आंसर है वो तो होगा, लेकिन ऐसे में अगर आप सभी से यहाँ पूछ लिया जाए कि ये 4 जुलाई को मनाया जाएगा, क्योंकि हर साल इसकी जो तारीख है वो चेंज हो जाती है, और तारीख चेंज होने का जो रीजन है वो ये है कि अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस जो मनाया जाता है वह जुलाई के पहले शनिवार को देखने के लिए मिलता है, जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख पा रहे हैं। मैं आप सभी को दिखाऊंगा या नीचे स्क्रोल डाउन करके, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, लेकिन नीचे आप सभी के सामने जो डिटेल देखिए उसको आप सभी अच्छे समझें, जैसे कि आपको दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। प्रत्येक वर्ष जुलाई के पहले शनिवार, ठीक है, जुलाई के पहले शनिवार को संयुक्त राष्ट्र सहकारिता दिवस के बारे में आप सभी को बताना है। जागरूकता बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाता है। इस वर्ष 2020 में जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए सहकारी समितियों के योगदान पर ध्यान केंद्रित करते हुए 4 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया गया। तो ऐसे में आप सभी को याद रखना है, अगर आप सभी से पूछा जाए कब मनाया गया है 2020 में, तो राइट आंसर क्या होगा, 4 जुलाई, ठीक है। तो 4 जुलाई के साथ साथ ऑप्शन नंबर बी तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है, लेकिन कब मनाया जाता है, प्रत्येक वर्ष जुलाई मनाया जाता है, ये भी पूछा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस जुलाई में किस दिन मनाया जाता है। तो पहले शनिवार इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी के अंदर लिखा हुआ है। इतनी जानकारी आप सभी के लिए काफी है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने देखने के लिए मिलेगा, किस राज्य सरकार ने COVID-19 के इलाज के लिए अपने 4 अस्पतालों में, अगर हम बात करें, प्लाज्मा थेरेपी शुरू की थी। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने, राइट आंसर आपको बताना है, क्योंकि आप सभी को बताया कि ये आपके करंट अफेयर के क्वेश्चन थे, जो कि आप सभी को जुलाई के समथिंग पूछे गए थे, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ये क्वेश्चन आप सभी के पुराने होते हुए दिखाई देंगे, है ना, क्योंकि हम 6 महीने पुराने करंट अफेयर इसमें कवर कर रहे हैं। तो याद आप सभी को रखना है COVID-19 के लिए, क्योंकि क्वेश्चन पूछे जाएंगे किस राज्य सरकार ने किया, आप सभी से पूछा क्या है। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने, राइट आंसर आप सभी को बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, उड़ीसा के माध्यम से अपने 4 अस्पतालों में प्लाज्मा थेरेपी शुरू की गई थी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। अब उड़ीसा के बारे में अब तक मैंने आप सभी को बहुत सारी जानकारी दे दी है, जो कि आप सभी के लिए आवश्यक है, चाहे मैं अगर बात करता हूँ सीएम के बारे में, है ना, चाहे अगर मैं बात करूँ आप सभी से राज्यपाल के बारे में। लेकिन अगर मैं आप सभी से पूछना चाहूँ
कि वहां के सीजे कौन है। सीजे हम किसको कहते हैं, चीफ जस्टिस। ठीक है, तो अभी मैंने आप सभी को बहुत सारे सीजे बताए भी हैं, महाराष्ट्र के बारे में बताया, तो याद रखिएगा उड़ीसा के सीजे के बारे में, जो मुख्य न्यायाधीश हिंदी में हम कहते हैं मोहम्मद रफीक, आप सभी को याद रखने हैं मोहम्मद रफीक। ठीक है, तो सॉरी ये होगा, हाँ मोहम्मद रफीक इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आप सभी यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो ऐसे में अगर आप सभी से पूछ लिया जाए, इसके अलावा अगर हम बात करें वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में, तो चिल्का लेक आप सभी को याद रखनी है, साथ ही अगर बात करें टाइगर रिजर्व को लेकर, सिमलीपाल नेशनल पार्क आप सभी के सामने होगा। ठीक है, तो उड़ीसा के बारे में दो चीजें आप सभी को और याद रखनी है, बाकी तो मैंने आपको पहले से बता रखी है। तो जल्दी से उड़ीसा के बारे में कमेंट करके आप लोग बताइए, जितना मैंने आपको पहले से बता करके रखा था। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आ जाता है, दुनिया का चौथा सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार वाला देश कौन सा बना है। चार ऑप्शन आप सभी के सामने, राइट आंसर आप सभी को बताना है। इस क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे जो नोट लगाना है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको सही तरीके से समझ लेना, क्योंकि बाद में आपको दिक्कतें हो सकती हैं। ठीक है, रीजन क्या है मैं आप सभी को समझा दूंगा बहुत अच्छे तरीके से। तो चार ऑप्शन आप सभी के सामने, राइट आंसर आप सभी को बताना है। फिलहाल आपसे पूछा गया चौथे नंबर का, तो चौथा नंबर अगर पूछा जाए तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अब देखो इसके अंदर एक विवाद हो सकता है, विवाद कहने का मतलब ये है कि अगर मैं बात करूं जुलाई के करंट अफेयर के अनुसार भारत 5वें नंबर पर था, और रूस जो था, रूस ठीक है, रूस 4थे नंबर पर था। ठीक है, अब ऐसे में पिछले 7 दिन पहले, अगर एक पिछली अगर 7 दिन पुरानी रिपोर्ट के अनुसार मान करके मैं चलता हूँ, है ना, यहाँ पे देखो 7 दिन पुरानी रिपोर्ट को अगर माने, तो भारत 5वें से हटके सीधे 4थे पे चला गया है, और जो रूस है वो 5वें पे चला गया है। ठीक है, आज से 6 महीने पहले जब मैंने करंट अफेयर का एक क्वेश्चन देखा था, उस समय पे भारत 5वें नंबर पे था। हो सकता है कि पुराना क्वेश्चन आपके सामने डाल दिया जाए, अब आपसे पूछ लिया जाए कि भारत कौन से नंबर पे है। अगर आपसे चौथा नंबर पूछे, तो चौथा तो अभी बिल्कुल है ही है, बिल्कुल करंट में आप सभी को बता रहा हूँ, इसी महीने की अगर 22 तारीख है तो 15 मार्च के आसपास का करंट अफेयर होगा। ठीक है, तो 15 मार्च के समथिंग तो भारत 4थे नंबर पर चला गया है, लेकिन आज से अगर आप 6 महीने पहले के करंट अफेयर के अंदर देखेंगे तो 5वें नंबर पर था। समझाने का मतलब ये है कि एग्जाम के अंदर चाहे चौथा पूछा जाए या पांचवा, अगर दोनों आते हैं तो चौथा आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, लेकिन अगर सिर्फ पांचवा आता है, चौथा नहीं पूछा जाता है, तो राइट आंसर क्या लगाएंगे, 5। इतनी जानकारी काफी है, क्योंकि नीचे भी लिखी हुई है, इसको पढ़ते हैं। तो नीचे आप सभी के सामने जानकारी दी गई है कि अगर हम बात करें दुनिया के सबसे बड़े विदेशी मुद्रा भंडार वाले देशों की सूची में चीन शीर्ष पे है, मतलब पहले नंबर पे कौन है, शीर्ष। इसके बाद में क्रम से जापान है, फिर उसके बाद स्विट्जरलैंड है, साथ में स्विट्जरलैंड के बाद अगर स्थान की हम बात करते हैं, 4थे नंबर पर भारत है, जो कि 5वें स्थान रूस पर है। पहले रूस 4थे पर हुआ करता था, भारत 5वें पर था, तो फिलहाल बदलाव हुआ है, जो कि मैंने आपको बता दिया है, तो कर दो वीडियो को लाइक। इसी के साथ अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आ जाता है, राइट आंसर आप सभी को बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप सभी से पूछा गया है, अगर हम बात करें NHI के अध्यक्ष के बारे में, चार ऑप्शन आप सभी के सामने है, सुखबीर सिंह संधू का कार्यकाल कितनी अवधि के लिए बढ़ाया गया है। चार ऑप्शनों में से राइट आंसर आप सभी को बताना है। तो अगर आपसे पूछ ले जाए कि भाई NHI के अध्यक्ष कौन है, तो याद रखिएगा सुखबीर सिंह संधू जी हैं। ठीक है, लेकिन इनका कार्यकाल खत्म हो गया था, जो कि फिलहाल बढ़ा दिया गया है, कितने दिनों के लिए बढ़ाया गया है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 6 महीने के लिए बढ़ाया गया है। तो याद रखिएगा, पूछा जा सकता है, और कार्यकाल को लेकर अलग से एक वीडियो भी बनाऊंगा अगर आप लोग कहेंगे तो। चलिए बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन है, अगर हम बात करें दुनिया में ई कचरे का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। चार ऑप्शन आप सभी के सामने, राइट आंसर आपको बताना है, अगर हम बात करें ई कचरे को लेकर, है ना, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा चीन। चीन को ई कचरे का सबसे बड़ा उत्पादक देश माना जाता है, और ई कचरे को लेकर क्वेश्चन आने की संभावना भी है, तो कोशिश करिएगा इस क्वेश्चन को डबल स्टार करके आप सभी यहाँ पर देख लें, कि अगर पूछा जाए तो आप लोग यहाँ पर आंसर कर पाए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आप सभी का बी, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो जल्दी से कर दो वीडियो को लाइक, साथ में शेयर, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। क्लास कैसी लगती है कमेंट करके बताएं। इस क्लास के अंदर आपको करंट अफेयर के बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, इसके साथ ही एक क्लास आपको और देखने के लिए मिलेगी, जिसमें रीजनिंग के साथ और भी तमाम जानकारी आप सभी को मिलने वाली है, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूला करें। ठीक है, तो ये तो जानकारी होगी भाई चीन यहाँ पे बना है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ अगर आप सभी से हम बात करते हैं, यहाँ पर चीन में प्रति वर्ष अगर हम देखें 61 लाख टन ई कचरा का उत्पादन होता है। ठीक है, अमेरिका में लगभग अगर हम बात करें 72 लाख टन, पूरी दुनिया में अगर हम बात करें 488 लाख टन ई कचरा उत्पादन हो रहा है। तो ऐसे में आप सभी को याद रखना है, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर
बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आप सभी के सामने लिखा हुआ है अगर हम बात करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी को देखने के लिए मिलेगा। केंद्र सरकार ने किस राज्य को फूड पार्कों में सुधार के लिए 400 करोड़ रुपए को मंजूरी दी है? चार ऑप्शन आप सभी के सामने है, राइट आंसर आप सभी को बताना है। ठीक है, तो चार ऑप्शन में से इसका जो राइट आंसर होगा वो आप सभी को बताना है। केंद्र सरकार के माध्यम से अगर हम देखें तो यहाँ पर जो फूड पार्कों को सुधार के लिए 400 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। चार ऑप्शन में से राइट आंसर आप सभी को बताना है। ये दो तरह के मामले में आपको बताना चाहूंगा, अगर आपसे क्वेश्चन के अंदर अलग अलग पूछ लिए जाए, जैसा कि फिलहाल इस क्वेश्चन में हम बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम आपको समझाएंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा अगर हम बात करें 4,000 करोड़ रुपए जो मंजूरी दी गई है वो दी गई कर्नाटक को। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपके सामने लिखा हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। लेकिन अगर यहाँ अगर हम बात करते कर्नाटक ना होकर इसमें अगर आपके सामने पंजाब डाल दिया जाए तो पंजाब भी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि अलग अलग सबको दिया जाता है, तो पंजाब भी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, याद रखिएगा पंजाब भी पूछा जा सकता है। तो केंद्र सरकार ने किस राज्य को फूड पार्कों में सुधार के लिए दिए हैं? सेम पंजाब को भी दिए हैं और कर्नाटक को भी, तो यहाँ पे कर्नाटक है, कर्नाटक इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब कर्नाटक के बारे में हमने कल परसों आप सभी को बहुत सारी जानकारियां दी थी, लेकिन कुछ ऐसी जानकारियां जिनके बारे में आप सभी को याद रखना है, क्योंकि अगर हम बार बार आप सभी को एक ही बताएंगे कि भाई यहाँ के सीएम कौन है, राज्यपाल कौन है, तो बोरिंग हो जाता है, और आपको पहले बता भी दिया। याद रखिएगा हम कोशिश करते हैं कि आपको लगातार जानकारी दी जाए। कल मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था गेट सेट गो के बारे में, याद है ना आपको? गेट सेट गो शुभारंभ किया था, ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म था, है ना, किसके माध्यम से? कर्नाटक में। अच्छा, अगर आप सभी से पूछा जाए अपर मित्रा, है ना, अपथ मित्रा जो ऐप शुरू किया गया था, जो कि मेघ संदेश है, वो भी कर्नाटक के माध्यम से था। इनके माध्यम से एक वॉच लॉन्च की गई थी, कोरोना वॉच। ठीक है, कोरोना कोरोना वॉच लॉन्च की थी, वो भी कर्नाटक, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए। साथ में बुखार क्लिनिक स्थापित करने की घोषणा भी की गई थी। तो ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक के बारे में आपको तीन चार चीजें और याद रखनी है, जो कि आगामी विषय में आप सभी से पूछी जा सकती हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आता है, किस राज्य सरकार ने आसपास नामक हेल्पलाइन शुरू की है? चार ऑप्शन आप सभी के सामने है, राइट आंसर आप सभी को बताना है। क्या राइट आंसर होगा कमेंट करके आप लोग बता सकते हैं। तो ऐसे में अगर आपसे पूछा जाए राज्य सरकार का नाम, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब मध्य प्रदेश के बारे में राज्यपाल आप सभी जानते हैं, मुख्यमंत्री भी आप सब जानते हैं, इनके माध्यम से पंख योजना शुरू की गई थी, जिसके बारे में मैंने आपको वीडियो के माध्यम से बताया था। पुरानी वीडियोज में हमने बहुत सारी जानकारियां दे दी हैं, इसलिए हम आपको बार बार कहते हैं कि उन वीडियोज को अवश्य देख लो, क्योंकि बार बार रिपीट करना एक एक पॉइंट मुश्किल हो जाता है ना। बहुत सारी योजनाएं शुरू की गई जो कि पूछी जाएंगी। इसके अलावा इनके माध्यम से कुशल श्रमिक योजना शुरू की गई थी, मैंने आपको बताया था। जीवन शक्ति योजना मास्क महिलाएं बनाएंगी 11 रुपए में, है ना। संकल्प योजना भी देखने के लिए मिली थी। हाँ, और साथ ही अगर हम बात करें सबसे खराब जो शिशु मृत्यु दर है, वो भी आप सभी को मध्य प्रदेश याद रखना है। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो कि मैं आपको बहुत सारी पहले बता चुका हूँ, तीन चार अभी आप सभी को और रिवाइज कर दिए जो कि पूछे जाएंगे। तो किस राज्य सरकार ने आसपास नामक हेल्पलाइन शुरू की थी? मध्य प्रदेश इसका बिल्कुल राइट आंसर था, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आता है, किस देश के राष्ट्रपति ने अगले दशक के मध्य तक सत्ता में बने रहने के लिए चुनाव जीता है? चार ऑप्शन आप सभी के सामने, राइट आंसर आप सभी को बताना है। तो आप सभी से पूछे गए किस देश के राष्ट्रपति, है ना, अगले दशक की बात की गई है, तो राइट आंसर आप सभी को पता होना चाहिए। इसका जो राइट आंसर होगा रूस इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब किस देश के राष्ट्रपति की बात की रूस के बारे में? रूस के बारे में लगभग आप सब कुछ जानते होंगे, बताने की आवश्यकता तो है नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी जाता है, लेकिन फिर भी एग्जाम्पल के तौर पर, नॉलेज के तौर पर ध्यान रख सकते हैं। मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ थोड़ा नीचे करके। ठीक है, तो यहाँ पर आपको तीन चीजें देखने के लिए मिलेंगी। पहली चीज आप सभी के सामने आती है राजधानी को लेकर, जो कि मॉस्को है। मुद्रा के बारे में अगर पूछा जाए तो रशियन रूबल आपको याद रखनी है, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर था, जिन्होंने नहीं देखा। साथ ही अगर आपसे पूछे जाए कौन है, तो व्लादिमीर पुतिन आप सभी जानते ही हैं, बताने की आवश्यकता है नहीं है। चलिए फिर भी रिवाइज करा दिया है। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आता है, किसने संस्कृत में अपना पहला समाचार पत्र का कार्यक्रम प्रसारित किया? चार ऑप्शन आप सभी के सामने है, राइट आंसर आप सभी को बताना है। किसके माध्यम से किया गया है तो बताए आप सभी, है ना, पूछा जा सकता है। तो संस्कृत का अपना पहला समाचार पत्रिका जिन्होंने प्रसारित किया है
वो किसके माध्यम से किया गया है? ऑल इंडिया रेडियो के माध्यम से। रेडियो को लेकर हमने पहले भी एक क्वेश्चन कवर किया था जहाँ पर तमाम जानकारियां आप सभी को दे दी गई थी, तो ऐसे में आप सभी को नीचे और भी जानकारी देखने के लिए मिलेगी। चलिए नई दिल्ली की अगर हम बात करें, नई दिल्ली ऑल इंडिया रेडियो जिसको हम AIR कहते हैं, कभी आप सभी ने देखा होगा एयर लिखा होता है ना, एयर का मतलब ही होता है, आप सभी देखेंगे ना, तो ऑल इंडिया रेडियो। अगर आप सभी से दिन भी पूछ लिया तो याद रखना शनिवार के दिन संस्कृत में अपना पहला समाचार पत्रिका बुलेटिन लॉन्च किया था या फिर प्रसारित किया था, ठीक है। संस्कृत साप्ताहिकी नामक यह एक बुलेटिन शनिवार को 4 जुलाई को, याद रखिएगा शनिवार को 4 जुलाई को आकाशवाणी में प्रसारित किया गया। यह बुलेटिन की जो अवधि थी लगभग 20 मिनट की थी, वो भी आप सभी को याद रखना है। अब इसमें से अगर आपसे कुछ भी पूछ लिया जाए किस दिन हुआ था शनिवार को, तारीख भी आप सभी के सामने आ गई, मिनट कितनी थी 20 मिनट, किसके माध्यम से किया गया ऑल इंडिया रेडियो, तो इतनी जानकारी आप सभी को सबसे पहले ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट डिटेल के माध्यम से डिटेल में समझाई जा रही है। हम चाहते तो सिर्फ क्वेश्चन पढ़ के आप सभी को बता करके चले जाते हैं, लेकिन कोशिश है कि आपको बहुत जानकारी दी जाए, तो वीडियो को लाइक कर दिया करो, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आता है, राइट आंसर आप सभी को बताना है। अगले क्वेश्चन में आप सभी से पूछा गया, अगर हम बात करें किस देश ने, मतलब किस स्मॉल फाइनेंस बैंक ने वीडियो KYC के माध्यम से खाता खोलने की सुविधाएं उपलब्ध की हैं। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने है, राइट आंसर आप सभी को बताना है। देखो सीधी सी बात यह है, ये क्वेश्चन इसलिए नहीं करवाया जा रहा कि आप इस बैंक के बारे में जान लो कि हाँ इस बैंक ने शुरू की है, और अगर गलती से ये क्वेश्चन पूछ भी लिया जाए किस बैंक ने शुरू की तो गलत हो सकता है। होने का रीजन क्या है कि वीडियो KYC हर एक बैंक ने शुरू कर दी है ना, 99.9% बैंक ने आज की तारीख में जो वीडियो KYC वो शुरू कर दिए, किसी का भी नाम उठा करके देख लीजिए। लेकिन स्मॉल बैंक की यहाँ पर जो जानकारी वो आप सभी से मांगी गई है, रोज ICICI IDBI और भी तमाम बैंकों के माध्यम से शुरू की जाती है, तो ऐसे में आप सभी को याद रखना है इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आप सभी को यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी ऑप्शन नंबर बी के अंदर, ठीक है। इनके माध्यम से वीडियो KYC फाइनेंस की जो सुविधा है वो लॉन्च की गई है, तो राइट आंसर क्या होगा, इक्विटास फाइनेंस बैंक आप सभी के सामने आ जाती है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें ICICI और भी तमाम बैंकों ने IDBI है ना, ये पहले से कर चुकी हैं, ऐसा नहीं है कि इन्होंने किया नहीं है, ये पहले से कर चुकी हैं, बस फर्क सिर्फ इतना है कि अब इनके माध्यम से लॉन्च की गई है, ठीक है। अब सवाल आप सभी के मन में यहाँ देखने के लिए मिल सकता है, तो यहाँ पे आप लोग नोट कीजिएगा, अगर फाउंडेड की जानकारी आप सभी से पूछे 2007 आप सभी को याद रखना है 2007, लेकिन अगर आप सभी से पूछे जाए CEO MD के बारे में वासुदेवन PN आप सभी को याद रखना है, BPN करके आप लोग याद रख लीजिएगा, BPN बी फॉर वासुदेवन, PN इनका पूरा नाम है। साथ ही अगर आपसे हेडक्वार्टर पूछा जाए तो चेन्नई आप सभी को याद रखना है, ठीक है, चेन्नई इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में आप सभी से पूछा गया है। चलिए इतनी जानकारी काफी है, इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, किस देश की बैडमिंटन खिलाड़ी लिन डेन ने संन्यास की घोषणा की है? 4 ऑप्शन आप सभी के सामने और राइट आंसर आप सभी को बताना है। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, याद रखिएगा है ना, क्योंकि क्रिकेट और बैडमिंटन के जो एक आधा क्वेश्चन तो आप सभी को देखने के लिए मिलेगा, तो ऐसे में ये घोषणा की गई थी उस समय, अब फिलहाल घोषणा के साथ साथ संन्यास भी हो चुका है, तो आप सभी को यहाँ पर याद रखना है। तो वैसे अगर आप नाम पढ़ेंगे तो नाम से अंदाजा लगा सकते हैं लिन डेन, ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चीन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, चीन। अब चीन के बारे में आप सभी को मैंने बहुत सारी जानकारी बता दी थी, शी जिनपिंग और भी तमाम जानकारियों के बारे में, लेकिन ऐसे में मैं आप सभी को बता देता हूँ है ना, एक जानकारी आप सभी और याद रखिएगा, क्योंकि मैंने कल परसों के वीडियो के अंदर भी बताया था, यहाँ पर लिख करके भी लाया हूँ, पहले तो आप लोग इसको पढ़िए जिससे कि कन्फ्यूजन आपको नहीं होगा, है ना। चीन की सुपरस्टार शटर लिन डेन ने अंतरराष्ट्रीय करियर को लेकर अलविदा कह दिया है, 2 बार के ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट और साथ में 5 बार की वर्ल्ड चैंपियन इस बैडमिंटन खिलाड़ी ने सोशल मीडिया पर अपने संन्यास की जो घोषणा है वो की है। सुपर डेन के नाम से मशहूर दुनिया की दिग्गज बैडमिंटन खिलाड़ियों में शुमार लिन डेन को 20 साल लंबा करियर देखने के लिए मिला है, तो ऐसे में आप सभी को याद रखना है, पूछा जा सकता है। लेकिन अगर ऐसे में आपसे ये और भी जानकारी है जो कि चीन के बारे में पूछी जाएंगी और संभवतः आने की संभावना भी है ना, तो ऐसे में आप सभी यहाँ पे याद रखिएगा, एशियन यूथ गेम्स के बारे में अगर आपसे पूछा जाए 2021 आप सभी को याद रखने, कहाँ पे, चीन में। साथ ही अगर 19 एशियन गेम 2020 को आप सभी को याद रखना है, साथ ही विंटर ओलंपिक्स 2022 के बारे में चीन आप सभी को याद रखना है, अगर एशियन पोन गेम्स की अगर हम बात करें वो भी आप सभी को 2022 में देखने के लिए मिलेंगे फिफी में।
साथ ही अगर आप सभी से पूछ लिया जाए नई डिजिटल करेंसी को लेकर, जो कि आप सभी यहाँ पे देखेंगे, है ना, तो इसके बारे में आप सभी को याद रखना है। और इसी के साथ अगर हम बात करें अपने अगले क्वेश्चन के बारे में, अगला क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश का नया मुख्य सूचना आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है। चार ऑप्शन आप सभी के सामने और राइट आंसर आप सभी को बताना है। तो आंध्र प्रदेश के बारे में पहले आप सभी को बहुत सारी जानकारियां दी गई हैं, अब आप सभी से पूछा गया है नए मुख्य सूचना आयुक्त के बारे में, ठीक है। तो चार ऑप्शन आप सभी के सामने है, राइट आंसर आप सभी को याद रखना है। रमेश कुमार इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी के अंदर आप सभी के सामने दिया गया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आप सभी यहाँ पे देखेंगे, रमेश कुमार। क्वेश्चंस कैसे लगते हैं कमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूलें। इसी के साथ अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आ जाता है, अगर हम बात करें ड्रग डिस्कवरी हैकथन 2020 का शुभारंभ किसने किया है। चार ऑप्शन आप सभी के सामने, राइट आंसर आप सभी को बताना है। तो चलिए आप सभी बता सकते हैं, इसका जो राइट आंसर होगा रमेश पोखरियाल निशंक के माध्यम से शुभारंभ किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ड्रग डिस्कवरी को लेकर हैकथन 2020 के बारे में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका बिल्कुल राइट आंसर है। इसी के साथ अगर हम बात करें अपने अगले क्वेश्चन के बारे में, अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आता है, किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने कीटाणु शोधन बॉक्स यूनिस बे हम कह सकते हैं, ठीक है, वीर नहीं है, वीर है वैसे तो, ठीक है, बाकी आप इसको वीर भी कह सकते हैं, यूनिस बे विकसित किया है। चार ऑप्शन आप सभी के सामने, राइट आंसर आप सभी को बताना है। तो आईआईटी के बारे में जानकारी आप सभी से पूछी गई है, याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर होगा, है ना, क्योंकि आईआईटी को लेकर पहले भी हमने बहुत सारे क्वेश्चन कवर कराए थे, इसका राइट आंसर है आईआईटी रुड़की के माध्यम से, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है, जो कि बी के अंदर दिया गया है। तो यूनिस बे के बारे में अगर आपसे पूछा जाए किसने विकसित किया है, आईआईटी रुड़की इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन है, किसने स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 को लेकर टूल किट लॉन्च की है। चार ऑप्शन आप सभी के सामने और राइट आंसर आप सभी को बताना है। तो स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के बारे में आप सभी से पूछा गया, टूल किट को लेकर किसने लॉन्च किया वो आप सभी को बताना है। रामनाथ कोविंद नहीं, नरेंद्र मोदी बिल्कुल नहीं, हरदीप सिंह पुरी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हरदीप सिंह पुरी जी के माध्यम से स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के लिए टूल किट लॉन्च किया गया था, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, यहाँ पे कुछ जानकारियां भी आप सभी को दी गई जो कि आप सभी के लिए आवश्यक हैं, जिसको आप पढ़ सकते हैं। अगर हम बात करें 3 जुलाई 2020 को श्री हरदीप सिंह पुरी ने शहरी भारत के वार्षिक स्वच्छता सर्वेक्षण के छठे संस्करण के लिए टूल किट लॉन्च की गई है, जो कि आप सभी को याद रखनी है ना। तो छठे संस्करण की जानकारी भी आप सभी को याद रखनी, पूछा जा सकता है कि भाई कौन से संस्करण की है, तो छठा इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर, है ना, ऑप्शन तो बता दिया है। इसी के साथ हम बात करें अपने अगले क्वेश्चन के बारे में, अगला क्वेश्चन आप सभी को यहाँ देखने के लिए मिलेगा, धर्म चक्र दिवस कब मनाया गया है। चार ऑप्शन आप सभी के सामने, राइट आंसर आप सभी को बताना है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, कभी भी आप सभी से पूछा जा सकता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप सभी से पूछा गया धर्म चक्र के बारे में, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 4 जुलाई को, ठीक है, 4 जुलाई को मनाया गया है धर्म चक्र दिवस। इसी के साथ नीचे जानकारी आप सभी को और देखने के लिए मिल जाएगी, अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ मतलब आईबीसी भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के संरक्षण में 4 जुलाई 2020 को धर्म चक्र दिवस रूप में आषाढ़ पूर्णिमा को आयोजन कर रहा है। इस दिन बुद्ध ने अपने पहले 5 शिष्यों को प्रथम उपदेश दिया था, उसी की स्मृतियों में यह आयोजन यूपी के वाराणसी के पास में स्थित मनाया जाता है। तो ऐसे में आप सभी को याद रखना है कहाँ पे मनाया जाता है, किस लिए मनाया जाता है, रीजन क्या है, वो तमाम जानकारी आप सभी को इन सभी लाइनों के अंदर देखने के लिए मिल जाती है, जो कि संबंधित है, कब मनाया गया है, 4 जुलाई को। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर होता है। इसी के साथ अगर हम बात करें अपने अगले क्वेश्चन को लेकर, एशिया के पहले कंटिन्यूस गैल्वेनाइज्ड रेवार उत्पादन सुविधा का केंद्र कहाँ हुआ है। चार ऑप्शन आप सभी के सामने है, राइट आंसर आप सभी को बताना है। तो यहाँ पे आप सभी को याद रखना है, अगर हम बात करें बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा पंजाब, ठीक है, पंजाब इसका बिल्कुल राइट आंसर है। एशिया के पहले कंटिन्यूस गैल्वेनाइट रेवार का उत्पादन का जो केंद्र है वो पंजाब है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आप सभी के सामने दिया गया है, ठीक है। अब पंजाब के बारे में आप सभी को पता होना चाहिए, कैप्टन अमरिंदर सिंह यहाँ के कौन है, मुख्यमंत्री है ना, और भी तमाम जानकारी आप सभी को बताई गई है।
पंजाब हरियाणा का एक ही हाई कोर्ट है, ये भी आप सभी को पता होना चाहिए। लेकिन अगर आप सभी से यहाँ पूछ लिया जाए और भी जानकारी इसके बारे में, तो याद रखिएगा एशिया के सर्वप्रथम कंटिन्यूस गैल्वेनाइज दीवार जिसको CGR कह सकते हैं, विनिर्माण सुविधा किस राज्य से शुरू की गई है? इंटरनेशनल अगर बात करें जिंक एसोसिएशन IZA ने पंजाब में एशिया की पहली कंटिन्यूस गैल्वेनाइज दीवार मतलब CGR विनिर्माण सुविधा शुरू की है, तो ऐसे में आप सभी को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आता है, केरल सरकार ने कोरोना वायरस की वजह से नौकरी गंवाने वालों के लिए कौन सी परियोजना शुरू की थी? चार ऑप्शन आप सभी के सामने और राइट आंसर आप सभी को बताना है ना। तो यहाँ पर जानकारी आप सभी से मांगी गई है केरल सरकार के बारे में, तो बड़ा आसान आप सभी के लिए हो जाता है, ड्रीम केरला इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी के अंदर आप सभी के सामने दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे में ड्रीम केरल के बारे में आप सभी से पूछा गया है। यहाँ पे आप सभी को तमाम जानकारियां तो पता होंगी, लेकिन ऐसी कुछ जानकारी है जो मैं आपको बता दूं, पेरियार वन्य जीव अभयारण्य शांति घाटी आप सभी को याद रखनी है, पहला पॉइंट। दूसरा आप सभी को याद रखना है तिरंगा पहल के लिए, मतलब तिरंगा पहल के तहत रैपिड स्क्रीनिंग भी देखने के लिए मिली। तीसरा है COVID-19 की रोगियों की सेवाओं के लिए इनके माध्यम से कर्मी बोट रोबोट शुरू किया गया था, जो कि आप सभी को याद रखना है। साथ में ब्रेक द चेन कार्टून अभियान भी इन्होंने शुरू किया था केरल ने, तो ये चार जानकारी आप सभी को याद रखनी है। एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेना वीडियो को, जैसे कि आपको याद रहेंगी। ठीक है, इसी के साथ अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने नीचे देखने के लिए मिल जाता है, किसने पहनने योग्य पेटेंट का आविष्कार किया? चार ऑप्शन आप सभी के सामने और राइट आंसर आप सभी को बताना है, तो किसके माध्यम से किया गया वो आप सभी को बताना है। तो चार ऑप्शनों में से इसका जो राइट आंसर होगा नासा, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इससे पहले नासा के बारे में तमाम जानकारी आप सभी को दी गई है, तो जल्दी से बता दीजिए, क्योंकि जो जानकारी हम 3 से 4 बार वीडियो में दे देंगे, तो कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट टाइम आप लोग इसको बता करके जाएं, जिससे कि और भी जानकारी छात्रों को मिले। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट को छोड़ने का फैसला किया था? चार ऑप्शन आप सभी के सामने है और राइट आंसर आप सभी को बताना है, फेसबुक, सिना विवो, ट्विटर या इनमें से कोई नहीं। तो चार ऑप्शन में से आप सभी को याद रखना है। वैसे ट्विटर के बारे में कहा गया था, एक बार इनका ट्विटर हैक भी हो गया था, है ना, अगर आपको याद होगा तो बिटकॉइन इनके माध्यम से मांगे गए थे, हालांकि वो इन्होंने नहीं मांगे थे, हैक हो गया था लगभग, अगर हम बात करें 1 घंटे के लिए, टोटल 1 आवर के लिए। ठीक है, तो ऐसे में अगर हम देखें तो इनके माध्यम से जो घोषणा की गई थी वो सिना टोबा के लिए की गई थी, सॉरी सिना वीवो के लिए की गई थी, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर मैं क्लियर कर देता हूँ, है ना, तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, सीना वीवो के लिए। ये एक तरीके की ब्लॉगिंग वेबसाइट है जो कि आप सभी को याद रखनी है। साथ में अगर हम बात करें अपने अगले क्वेश्चन के बारे में, अगला क्वेश्चन आप सभी को नीचे देखने के लिए मिलेगा, थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, प्रसिद्ध आषाढ़ी एकादशी त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? चार ऑप्शन आप सभी के सामने है, राइट आंसर आप सभी को बताना है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि त्योहारों के बारे में पूछ लिया जाता है, संस्कृति से संबंधित क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर होगा महाराष्ट्र, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर अगर हम बात करें ए के अंदर। ठीक है, तो आप सभी से यहाँ पूछा गया है प्रसिद्ध आषाढ़ी एकादशी जो त्यौहार है कब मनाया जा मतलब कहाँ मनाया जाता है, तो महाराष्ट्र इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस वर्ष एशियन कप फुटबॉल की मेजबानी की दावेदारी की है? चार ऑप्शन आप सभी के सामने और राइट आंसर आप सभी को बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसके बारे में आप लोग नोट कर लेना है ना, पूछा जा सकता है। एशियन कप फुटबॉल की मेजबानी जो सरकार ने की है वो काफी लंबे समय के लिए की है वैसे तो, लेकिन फिर भी याद रखिएगा 2027 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो एशियन कप फुटबॉल के लिए जो मेजबानी भारत करेगा वो 2027 में करेगा, फिलहाल काफी लंबा समय है आप सभी के पास। अगला क्वेश्चन है, विश्व एलर्जी सप्ताह कब तक मनाया गया है? चार ऑप्शन आप सभी के सामने है, तो ऐसे में आप सभी को याद रखना है, विश्व एलर्जी सप्ताह के बारे में अगर आप सभी से पूछा जाए तो 4 जुलाई इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोगों ने नोट किया हो तो 4 जुलाई को काफी कुछ देखने के लिए मिला है, आज की क्लास के अंदर मैंने आपको काफी कुछ बता दिया है, तो इन सबको याद रखना जितना आप सभी को बताया जा रहा है। टोटल पुराने 6 महीने का करंट अफेयर आप सभी को कहीं से भी नहीं मिलेगा, है ना, हम आपको 6 से 8 महीने का करंट अफेयर देने की कोशिश कर रहे हैं, कोशिश हमारी ये है कि आप सभी को जल्दी से जल्दी दे दिया जाए, अगर नहीं होगा तो 3 से 4 वीडियो देकर आप सभी को बता दिया जाएगा, है ना। चलिए इसी के साथ अगर हम बात करें अपने अगले क्वेश्चन के बारे में, किस राज्य सरकार ने 31 लाख पौधे लगाने के लिए वृक्षारोपण अभियान शुरू किया था? चार ऑप्शन आप सभी के सामने है और राइट आंसर आप सभी को बताना है ना, तो इसके बारे में आप सभी को याद रखना है, पूछा जा सकता है।
राइट आंसर क्या होगा अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर बी इसका, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली के माध्यम से। दिल्ली के बारे में मैंने आप सभी को तमाम जानकारी दे रखी, मुख्यमंत्री के बारे में और भी तमाम जानकारी आप सभी को पता होना चाहिए। शिक्षा मंत्री इनको लेकर विवाद में रहते हैं मनीष सिसोदिया, उनके बारे में भी आप सभी को याद रखना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 31 लाख वृक्षारोपण के लिए, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, केएल रेडिंग ने चालू वित्त वर्ष में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान जताया था। चार ऑप्शन आप सभी के सामने, राइट आंसर आपको बताना है। देखो इनके माध्यम से कई बार क्या होता है, इनको बदलाव भी कर दिया जाता है, संशोधन भी कर दिए जाते हैं, तो ऐसे में अगर आप सभी को याद रखना है चालू वित्त वर्ष की बात की गई है तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आप सभी को याद रखना है 6.4 इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी, जो कि यहाँ पे केयर रेटिंग के माध्यम से बताया गया था। अब कितनी है वो आप सभी यहाँ देख लेंगे क्योंकि सबका अलग अलग अनुमान देखने के लिए मिलता है। इसी के साथ अगर हम बात करें अपने अगले क्वेश्चन के बारे में, अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आता है, वर्ल्ड बैंक ने नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत गंगा नदी कायाकल्प के लिए कितने मिलियन डॉलर की ऋण को मंजूरी दी है। चार ऑप्शन आप सभी के सामने है और राइट आंसर आप सभी को बताना है। वर्ल्ड बैंक के सीईओ के बारे में अगर हम बात करें, वर्ल्ड बैंक के और भी प्रमुख वगैरह के बारे में तमाम जानकारी दी है, जल्दी से बताइए जिन जिनको याद है, और जिनको याद नहीं है याद कर लिया करिए, ठीक है। इससे क्या होगा कि बेनिफिट आप लोगों को मिलेगा, अगर मैं आप सभी को बता दूंगा तो उसे कहीं कि आप लोग भूल जाएंगे आगामी समय के अंदर, क्योंकि अब तक जितनी मैंने क्लासेस ली हैं मैंने हर एक जानकारी आप सभी के सामने दी है, चाहे वो वर्ल्ड बैंक के बारे में हो, एडीबी के बारे में हो, और हर एक मतलब कि जो भी राज्य अब तक आए हैं सभी के बारे में बताया गया है। बाद में बताने से समय बचाने की भी कोशिश है क्योंकि क्लास बहुत लंबी हो जाती है बहुत ज्यादा डिटेल के साथ, तो जो डिटेल पहले दी जा चुकी है उससे देने के बचने का प्रयास किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 400 मिलियन डॉलर के लिए, ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं आगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरीज प्राइस 2020 से किसे सम्मानित किया गया। चार ऑप्शन आप सभी के सामने, राइट आंसर आप सभी को बताना है ना। तो ऐसे में आप सभी को याद रखना है कॉमनवेल्थ शॉर्ट की जानकारी आप सभी से मांगी गई है, तो ये आप सभी से क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना, याद रखिएगा। कृतिका पांडे इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी के अंदर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है, कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरीज प्राइज 2020 जो जीता है वो कृतिका पांडे ने जीता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन है, चोलामंडल MS जनरल इंश्योरेंस के MD किसे नियुक्त किया गया है। चार ऑप्शन आप सभी के सामने है ना, तो MD और CEO तो मैं आप सभी को इसलिए बताता रहता हूँ, लेकिन कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन नहीं बनता तो सीधे ही मैं आप सभी से MD और CEO पूछ लेता हूँ, और सीधे सीधे तौर पर MD और CEO ही पूछे जाते हैं, है ना, याद रखिएगा। वीर सूर्य नारायण इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो चोलामंडल के माध्यम से पूछा गया है MS जनरल इंश्योरेंस के लिए MD और CEO कौन है, वी नारायण, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होता है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन आप सभी को यहाँ देखने के लिए मिलेगा, किस बैंक ने जिप डाइव इंस्टेंट लोन की घोषणा की है। चार ऑप्शन आप सभी के सामने है, राइट आंसर आप सभी को बताना है ना। इन तीनों बैंकों के MD और CEO मुख्यालय स्थापना सारी जानकारी मैंने आप सभी को दी है ना। तो राइट आंसर आप सभी से पूछा गया, किस बैंक के जिप डाइव इंस्टेंट लोन की घोषणा की गई है। चार ऑप्शन में से राइट आंसर आपको याद रखना, ऑप्शन नंबर बी HDFC के माध्यम से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखें। अगला क्वेश्चन है, किसने गुड क्लिनिक प्रैक्टिस गाइडलाइन हैंडबुक जारी की है। चार ऑप्शन आप सभी के सामने, राइट आंसर आप सभी को बताना है ना। तो किसके माध्यम से की गई है, देखो मैंने आप सभी को एक जानकारी दी थी, अगर आप लोगों को याद होगा, अगर ऐसे क्वेश्चन आपको याद रखने हैं, कोई बुक है, मान लो कोई बुक लॉन्च की गई है ना, मान लो कोई कुछ लॉन्च किया गया है, जैसे कि मैं आप बताना चाहूँ किसी ट्रेन से संबंधित है ना, ट्रेन से संबंधित है, और अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि कोई संबंधित है आपके शिक्षा से, स्कूल से, कोई संबंधित है रक्षा से, है ना, तो क्या होगा कि आपको याद रखना है कि उनके मंत्री कौन है, ठीक है। तो वहीं से आपका आंसर निकल आएगा। क्लिनिकल आप सभी से पूछा गया, क्लिनिकल प्रैक्टिस गाइडलाइन के बारे में, तो हर्षवर्धन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। मैंने आपको इसके बारे में पहले भी जानकारी दी थी। तो ये हो जाता है आज का मॉडल पेपर, इसके साथ आपको ये अगला मॉडल पेपर देखने के लिए मिलेगा जिसमें रीजनिंग वगैरह के भी क्वेश्चन आएंगे और भी तमाम जानकारी है, रेगुलर क्लासेस चल रही है, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।